हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि कमरा का आप जो बनाते हैं, फर्श डालते हैं सादा, तो इसका ढलान कितना होना चाहिए जिसमें कि कमरा में पानी कहीं ना रुके। दे देखिए, उसके बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। यह देखिए, जैसे ये है, ये दरवाज़ा है, ये देखिए एक चौखट ये है और एक चौखट ये है। तो यहाँ हमने आपको ये दिखाया है, यह देखिए ये लेवल का निशान है, यह देखिए। तो लेवल का निशान जो देखिए यहाँ पर है, ये 10 इंची, यह देखिए यहाँ 10 इंची है और इस कोने पे भी 10 इंची, ये देखिए 10 इंची। अब हम चलते हैं वहाँ उस कोने पे, यह देखिए जैसे ये दरवाज़ा है, तो यहाँ से जो यहाँ का इस कमरे की जो चौड़ाई है वो 10 फुट है। तो 10 फुट में हम क्या करेंगे कि हम 1 इंची का ढाल देंगे। तो देखिए ये लिमिट का निशान है, यहाँ देखिए ये 9 है, ये देखिए 9। तो यहाँ से जो वहाँ हुआ 1 इंची का ढाल हो गया, तो इससे क्या होगा कि हमारा कमरा में पानी नहीं रुकेगा। अभी हम थोड़ी देर में आपको पानी भी डाल के दिखाएंगे। जैसे देखिए ये 9 है, तो यहाँ से 1 इंची का ढाल हो गया। अब इसकी जो कमरे की चौड़ाई है ये लगभग 15 फुट है, तो इस कॉर्नर से हम लेंगे 1.5 इंची की ढाल। ये देखिए, तो वहाँ हमारे दरवाजे पर 10 था और यहाँ 8.5 है, ये देखिए। तो यहाँ से वहाँ का जो ढलान हुआ वो 1.5 इंची का हो गया। इसी तरह से हम इस दीवार को लेंगे, तो यहाँ भी 8.5 है, ये देखिए, ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेवल का निशान है और ये 8.5, तो 1.5 इंची यहाँ से ढाल हुआ। तो ये कमरा जो हो गया, अब ये इस तरह से ढाल बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से पानी जो यहाँ है ये सब दरवाज़ा पे इस तरह से चला जाएगा। देखिए, तो इसमें ये जो हमने इस दरवाजे पर लिया है 10 इंची और यहाँ 9 इंची और यहाँ 8.5 इंची, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सामने जो 10 फुट की लंबाई है, यहाँ से यहाँ का ढलान 1 इंची का है और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 फुट है, तो वहाँ से यहाँ का जो ढलान है वो 1.5 इंची का है। अब इसमें क्या हुआ कि जो पानी हमारा है, आप कमरा की कभी भी धुलाई करेंगे तो आपका पानी जो है पूरा कहीं से भी डाल दीजिएगा तो वो दरवाजे पर ही आएगा। देखिए, अब मैं पानी आपको डाल के दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि अब हम यहाँ से पानी डाल रहे हैं, ये देखिए, तो पानी जो है आपका कभी नहीं रुकेगा। ये देखिए पानी आ रहा है, ये देखिए दरवाजे पे पानी गिर गया, ये देखिए। तो इस तरह का जो ढलान है कमरे का, जो फर्श डालते हैं, तो इस तरह का ढलान होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा पानी जो है कमरा में नहीं रुके और हम धुलाई उलाई करें तो आसानी से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।